नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। फतेहपुर जिले में सोमवार को एक हत्या की घटना में लिप्त दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए पुलिस अधीक्षक ने हत्या की घटना का खुलासा किया है। हत्या की घटना को खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि मुखबिर की जानकारी पर जाफरगंज थाना क्षेत्र के आमराखेड़ा मोड़ के पास पुलिस ने हत्या के आरोपी ब्रजेश राम कुमार निवासी ग्राम भरतपुर थाना जफरगंज और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हत्यारों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल ईंट और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। जनपद फतेहपुर थाना जाफरगंज में 22 फरवरी को मृतक मंडीलाल निवासी समस्तपुर की हत्या के संबंध में पंजीकृत अभियोग से संबंधित नामित अभियुक्त ब्रजेश व दिनेश को थाना जाफरगंज की पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया गया है। उक्त गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक जाफरगंज, प्रभारी स्वाट टीम प्रथम निरीक्षक विनोद मिश्रा तथा सर्विलांस की टीमें सम्मिलित रही हैं। अभियुक्त ब्रजेश की पत्नी को मृतक मंदीलाल के मामा के लड़के राम नरेश का साला निवासी भारतपुर भगा ले गया था, जिसकी मृतक मंदीलाल द्वारा मदद की जा रही थी। इस संबंध में अभियुक्त ब्रजेश द्वारा उसकी पत्नी से समझौता कराने के संबंध में मंदीलाल से बात किया गया तो मंदीलाल ने कहा कि अब समझौता कोर्ट में ही होगा। इस बात पर नाराज होकर के अभियुक्त ब्रजेश के द्वारा ईंट के टुकड़े से मंदीलाल को चोट पहुंचाकर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। फिरोजाबाद में देर रात NH2 टूंडला टोल टैक्स के पास चलते ट्रक में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। ट्रक का कैबिन और पिछला हिस्सा पूरी तरह से आग का गोला बन गया। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। नेशनल हाईवे पर आग का गोला बनकर ये ट्रक थोड़ी दूरी तक दौड़ता रहा और अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस बल के साथ CO टूंडला भी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ट्रक में लदा हुआ सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आगरा में भी तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त करते हुए दुकान और मकान में जा घुसा। बेकाबू ट्रक से सड़क किनारे बनी आधा दर्जन दुकानें सहित मकान क्षतिग्रस्त होकर ध्वस्त हो गया। ट्रक को छोड़कर चालक परिचालक मौके से फरार हो गए। दुकान में सो रहा एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया है, ग्रामीणों में जिससे चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर घायल वृद्ध को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रक के कारण सड़क किनारे बनी दुकानों और मकान क्षतिग्रस्त होने से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत सहीपुरा चौराहे पर बीती रात का पूरा मामला। अमेठी के मुसाफिर खाना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के मिशनरी स्कूल प्रशासन का पुतला फूंका। तमिलनाडु के लावण्य के लिए न्याय और मिशनरी स्कूल में जबरन परिवर्तन के विरोध में परिषद के विद्यार्थियों ने ईसाई मिशनरी का पुतला फूंका। लावण्य के साथ हुए घोर अन्याय का विरोध किया और केंद्र सरकार से अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मुजफ्फरनगर से राज्य मंत्री भाजपा प्रत्याशी कपिल देव ने अखिलेश यादव और मोदी की तारीफ की है। कहा कि अखिलेश और मोदी से अच्छे कोई नहीं। सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं राज्य मंत्री कपिल देव। मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव ये कहते हुए नजर आए और योगी सरकार में उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। विधायक कपिल देव अग्रवाल शिवचौक स्थित गोल मार्केट में राज्य मंत्री कपिल देव ने जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया है, जिसके बाद उनका बयान सुर्खियां बना हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही सब भारत में सब जितने राजनीतिक दल हैं उनमें सब श्रेष्ठ है, उनके जनप्रतिनिधि, उनके कार्यकर्ता और सबसे बड़ी बात यह हमने सबका साथ और सबका विकास कहा नहीं ये किया है, सबका सम्मान रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए बना, सड़कें सबके लिए बनी है, 24 घंटे बिजली सबके लिए आ रही, सुरक्षा सबको मिली है, बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों के चेहरे पर मुस्कान है, हिंदू की बेटी हो मुस्लिम की बेटी हो, महिला किसी भी परिवार की हो, सबके चेहरे पर अलग प्रकार की उमंग मुस्कान है, प्रसन्नता है और उनको लगता है सब इस बात को एक कह रहे कि अखिलेश और मोदी से बढ़िया कोई सरकार हो नहीं सकता।
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लादवाला से गुमगुमी की सूचना पर इस्तकार नामक व्यक्ति के मकान से 27 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद में आचार संहिता लागू कर दी गई, जिसको लेकर जगह जगह फ्लैग मार्च और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीओ सिटी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने लद्धवाला मोहल्ले में पहुंचकर इस्तिखार के घर पर छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने मकान से 27 लाख रुपए की नकदी बरामद की, जिसके बारे में मकान मालिक कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने नकदी को गिनकर अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा कि आपको मालूम है, माननीय चुनाव आयोग के निर्देशन पे लगातार सघन चेकिंग चल रही है। उसी में जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, फ्लाइंग मजिस्ट्रेट हमारे साथ में ही है। आपको और हम लोग को एक इनपुट मिला था कि कुछ कैश है जो कहीं घर में रखा हुआ है, तो उसी को हम लोगों ने आज यहाँ चेक किया, तो उसमें तकरीबन 27 लाख रुपया जो कैश है वो बरामद हुआ है। उसकी हम बाकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं कि वो पैसा कहाँ से आया था और किस परपज के किस काम के लिए वो पैसा रखा हुआ था। पीलीभीत में बीते दिनों हुए भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जनपद के सदर विधानसभा प्रत्याशी और सदर विधायक संजय सिंह गंगवार का विरोध होना शुरू हो गया है। बीते दिन बसपा के संभावित प्रत्याशी और भाजपा के चेयरमैन ममता गुप्ता की पुत्री ने सदर विधानसभा के प्रत्याशी और भाजपा विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद युवती ने अपने परिवार के साथ SP पीलीभीत को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। संजय सिंह गंगवार मेरे परिवार को बहुत पीड़ित कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? मेरी माँ चेयरमैन है बीजेपी से जी। मेरे पिता 127 विधानसभा में इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। दो साल पहले मेरी माँ की मैरिज एनिवर्सरी थी, जिसमें 20-30 हजार आदमी आया। फिर लोगों ने कहा कि आप विधानसभा से इलेक्शन लड़े। जैसे उनने विधानसभा से इलेक्शन लड़ने का लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सोचूंगा इस बारे में। असमौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को ग्रामवासियों ने खरी खोटी सुना। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह रिंकू को ग्रामवासियों ने दौड़ाया। किसानों का आरोप है कि गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा ने गोलियां चलाई हैं, सड़कों पर कीले गाड़ी। भाजपा प्रत्याशी के सामने ग्रामवासियों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा नेताओं के गांव में आने पर पाबंदी लगा दी है। सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। विधानसभा असमौली थाना क्षेत्र के गाँव सकरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलिया में एक 35 वर्षीय अधेड़ का खेत में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अज्ञात युवक के चेहरे और गर्दन पर हमला किया गया था। ग्रामीण की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की हुई हत्या में शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है। मनिया थाना क्षेत्र के लोहटा गाँव के सुमेरा बाबा स्थान के समीप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अज्ञात एक लाश पड़ी थी, हम लोग सूचना मिला, हम लोग आए देखा तो ऐसे सामने ये मैटर था। अच्छा, ये कहाँ की लाश है कुछ पता है? कुछ पता नहीं है सर। कुछ पता, अज्ञात लाश है? अज्ञात लाश है। और क्या देखने से क्या लग रहा है इस लाश को? देखने से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे कि चेहरे बुरी तरीके से काट दिया गया। ২০২২ के विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता में चुनाव को लेकर पार्टियों के लिए कुछ नियम बनाए गए, लेकिन जनपद मैनपुरी में विधानसभा भोगांव में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसमें आचार संहिता कोरोना प्रोटोकॉल के जमकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला छाछा रोड पर स्थित भाजपा कार्यालय का है, जहां चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, आचार संहिता के नियमों की, कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम 108 विधानसभा भोगावा से कैबिनेट मिनिस्टर राम नरेश अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रदीप चौहान और सदर प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह सहित मैनपुरी जनपद के कई कद्दावर नेता मौजूद थे। शुभ मुहूर्त में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्रीमान हरियानंद जी द्वारा किया गया है और हमारे सभी कार्यकर्ता जोश और खरोश के साथ इस चुनाव में
पूरे जनपद में लगे हैं, पूरे प्रदेश में लगे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस का आंकड़ा प्रदेश के अंदर पार करेगी। आगरा में सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत का मामला सामने आया। छुट्टी पर घर आए सैनिक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। बाजार बंद मुआवजे की मांग करते रहे और पुलवामा में तैनात मृतक सैनिक बताया जा रहा है कि थाना शमशाबाद क्षेत्र के थीमश्री का ये पूरा मामला। तो आगरा की तस्वीरें जहाँ पर छुट्टी पर घर आए जवान की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मामला ये है कि ये मामला एक्सीडेंट का पाया गया है। जहाँ तक अभी पीएम रिपोर्ट पुलिस जो दर्शा रही है बता रही है, तो हम अभी हम घटनास्थल पर थे नहीं, मगर इतना कार्रवाई होने के बावजूद भी 3 दिन हो गए, मतलब 24 घंटे तो हो गए। 24 घंटे में अभी पुलिस प्रशासन कोई प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से कोई ऐसा उनको आश्वासन नहीं मिला, कोई उनको ऐसा रिजल्ट नहीं दिया जिससे परिवार को संतुष्टि मिले और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं कमाने वाला, वो एक ही अकेले थे। सर इनका मामा हूँ ना। अच्छा क्या घटना हुई है सर? घटना में तो गांव आगरा में था कल। हाँ। मुझे पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ है एसपी अहमद खान का, तो मैं वहाँ से भागा जैसे भी, लेकिन पुलिस वाले वहाँ 1 घंटे तक पड़ा रहा, उसकी लाशें पड़ी रही, पोस्टमार्टम जिंदे में कर दिया पोस्टमार्टम, उसका तारी काट नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं लगा। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके लिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया? तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था, हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट 9 में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट 9 पर। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है? हम हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। आगरा अतमादपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राकेश भकेल की तरफ से आचार संहिता के धज्जे उड़ गए। सैकड़ों लोगों की भीड़ लेकर वो चल रहे थे। बिना मास्क के भीड़ में प्रत्याशी राकेश भकेल खुद नजर आ रहे थे। गाड़ियों का काफिला वो लगातार लेकर चल रहे थे। आपको बता दें कि इन दिनों आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल और आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं लगातार ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। विधुना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रिया शाक्या के विरोध में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए हैं। बीजेपी पार्टी कार्यकारिणी और रैया ने जमकर खुले मन से विरोध किया और नारेबाजी की। बीजेपी प्रत्याशी रिया शाक्या के खिलाफ ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। घर से जंग के साथ अब पार्टी की गुटबंदी और विधायक विनय शाक्या के खिलाफ आक्रोश फूटा है। बेटी प्रत्याशी बीजेपी रिया शाक्या के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार जारी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अपनी अभिरक्षा में लिया। वहीं बता दें कि लोगों का कहना है कि अभी तक इस परिवार ने सिर्फ और सिर्फ गालियां दी है और उन्हीं को टिकट दिया गया। इससे पहले भी उनके पिताजी विनय शाक्या समाजवादी पार्टी में अपने भाई देवेश के साथ शामिल हो गए। परिवार तो वही है, हम कार्यकर्ता जी जान से लगे रहते हैं और टिकट के नाम पर फिर वही परिवार को टिकट दे दिया जाता है। रिया को लेकर विरोध वो कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, चाहे किसी को भी टिकट मिले, ऐसा कहना है यहाँ के कार्यकर्ताओं का और आम जनता का। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है जो कल आए हुए सपा और बसपा उनको टिकट दिया गया, इसलिए हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक जो है ये जो है यहाँ की टिकट चेंज नहीं होगी। ये नया प्रत्याशी हम लोग 6-7 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे काहे में भारतीय जनता पार्टी के लिए गली गली जा रहे हैं, घर घर गए हम लोग। नया प्रत्याशी तो पहचानता भी नहीं, नया प्रत्याशी और में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रशासन द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भी प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस रैली में एक मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ में शामिल हुए बच्चों को रवाना किया। जिला प्रशासन द्वारा मिधुना अजीतमल से 2 टीमें रवाना की गई। यहाँ दोनों टीमें मुख्यालय पहुंचेगी, जहाँ एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। 20 फरवरी को सभी लोग मतदान अवश्य करें। ये जो मतदाता जागरूकता अभियान है, ये मैसेज लगातार लोगों को दिया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इस पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन हमारा जिला प्रशासन कर रहा है। 2 टीम्स इसमें मैराथन दौड़ में है, एक हमारी विधुना से रवाना होते हुए ककोर मुख्यालय पहुंचेगी और एक अजीतमल से टीम पूरी वहां दौड़ का आयोजन करते हुए अपना ककोर में समाप्त होगा और ककोर में हमारा जब ये दोनों टीम पहुंचेगी तो एक भव्य समापन समारोह किया गया है। जौनपुर में मुठभेड़ में शातिर अपराधी मोहम्मद गुरफान को गोली लग गई। 5 अन्य साथी सहित कब्जे से चोरी की एक सेंट्रो कार तमंचा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 2 अभियुक्त मौके से फरार बताए जा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ जनपद जौनपुर समेत अन्य जनपद में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। घायल बदमाश का इलाज जनपद के जिला अस्पताल में चल रहा है। मड़ियाहू थाना क्षेत्र के बसोई नदी का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद जौनपुर की पुलिस टीम स्वाट सर्विलांस मिलकर काम कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है। इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों के साथ 24 जनवरी की रात में पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 1 अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसने पुलिस पर फायर किया था। पुलिस टीम के एक अधिकारी के बीपी जैकेट पर भी गोली लगी है। हमीरपुर में 3रे चरण के मतदान के लिए आज से चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। जिलाधिकारी कार्यालय प्रांगण में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सदर 228 और 8-229 विधानसभा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय प्रांगण में नामांकन स्थल बनाया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया का समय रहा। 25 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। 2 फरवरी को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और 4 फरवरी को पर्चा वापसी हो सकेगा। आगामी 20 फरवरी को जनपद की दोनों विधानसभाओं में 3रे चरण के लिए मतदान होना है।
2022 विधानसभा चुनाव के यूपी में तीसरे फेज के नामांकन शुरू हो गए हैं। इसी के चलते कानपुर देहात में नामांकन प्रक्रिया आज से शुभारंभ हुआ, जिसको लेकर तैयारियां की गई थी। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा पहले से ही चुस्त दुरुस्त तैयारियां कर ली गई थी। स्थानीय पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवानों का सुरक्षा घेरा कलेक्ट्रेट भवन के आसपास लगा रहा। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो विधानसभा अकबरपुर, रनिया, रसूलाबाद, भोगिनीपुर और सिकंदराबाद विधानसभाओं के नामांकन यहां जिला मुख्यालय में हो रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया के बाबा जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने। देखिए, यूपी के जनपद कानपुर देहात में आज से नामांकन प्रक्रिया चालू हो गई। वहीं बात करें जनपद कानपुर देहात में तीसरे फेज में चुनाव है और नामांकन प्रक्रिया 25 तारीख से 1 तारीख के बीच में जो प्रपत्रों की बिक्री है, साथ ही नामांकन का इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था, तमाम तरीके के इंतजाम हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये कलेक्ट्रेट का ग्राउंड है जहाँ से एक रास्ता ये बनाया गया है कि जो प्रत्याशी है यहीं से एंटर करेंगे। चार विधानसभाओं के इस मैदान पर, इस कलेक्ट्रेट जो ऑफिस है यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया होनी है, जिसको लेकर अकबरपुर, रनिया, रसूलाबाद, भोगनीपुर और सिकंदरा यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया है। दरअसल नामांकन प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो गई है और जो प्रशासन के द्वारा सबसे अहम बात कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ इंतजाम उनके द्वारा दिए गए हैं। सलाह ये भी दी गई है कि कोविड-19 के चलते जो व्यवस्थाएँ हैं उनको मेंटेन करते रहिए ताकि प्रोटोकॉल का पालन होता रहे। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्याशी के साथ में दो प्रस्तावक और दो गाड़ियां ही यहां से, फिलहाल गाड़ियां यहां से तो एंट्री होनी नहीं है, लेकिन जो अन्य गेट बनाए गए वहां तक गाड़ियों की व्यवस्था है। साथ ही जो अन्य समर्थक हैं उनके, वो यहां पर उपस्थित नहीं रहेंगे क्योंकि संक्रमण का दौर है, संक्रमण लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए प्रशासन के द्वारा तैयारी पहले से बता दी गई थी और पूर्ण कर ली गई थी। अब तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण कर लिए गए थे। अन्य व्यवस्थाएँ लगातार गाइडलाइंस के अनुपालन के स्वरूप, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उसके अनुपालन के स्वरूप लगातार यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। सुरक्षा हो या अन्य चीज़ें हो, लगातार जिला प्रशासन के द्वारा चुस्त दुरुस्त हैं। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया यहाँ शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि तस्वीरें साफ है। आखिर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा ये मतदान की प्रक्रिया के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया यहाँ सुचारू रूप से चालू है। जितेंद्र सिंह, इंडिया। प्रतापगढ़ में भूपियामऊ इलाके में भारी पुलिस बल ने छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी से इलाके में सनसनी फैल गई। सीओ सिटी अभय पांडे के नेतृत्व में एक मकान में छापेमारी के दौरान पुलिस की हनक देखने को मिली। प्रतिबंधित मादक पदार्थ की अवैध बिक्री के आरोप में दो युवक हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामला ओवरब्रिज के समीप एक मकान का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।